तो भाई एक छोटे से वायरस की वजह से ही सही, लेकिन फाइनली देश ने अब तक लॉकडाउन के 3 फेज पूरे कर ही लिए हैं और अब चौथा चरण शुरू हो चुका है। चौथा चरण भले ही लगा दिया गया है, लेकिन ये नाम का ही लॉकडाउन रह गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज। देखने सुनने में सिर्फ बहुत बड़ी ही नहीं बल्कि हर किसी को हैरत में डाल देने वाली राशि है 20 लाख करोड़ रुपए। लेकिन देश और देशवासियों को संकट से बचाने के लिए इतनी बड़ी राशि जारी किए जाने के बाद भी क्या किसी सच्चे जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो पाई है? इसका जवाब सिर्फ शायद नहीं बल्कि पक्के तौर पर नहीं ही है, क्योंकि भूख तो अभी लगी है तो रोटी ही चाहिए, क्योंकि इस भूख को लाखों करोड़ों रुपए से नहीं बल्कि सिर्फ रोटी से ही मिटाया जा सकता है। तो फिर आखिर क्यों इस 20 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में से भी किसी के लिए रोटी का इंतजाम तक नहीं किया गया? क्यों अपने चेहरे पर मायूसी और बेबसी लिए अपने घर की ओर लौट रहे उस मजदूर को रोका नहीं गया? क्यों उस मिडिल क्लास को अचानक से आई इस आफत में थोड़ी सी भी राहत नहीं दी गई, जो दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़कर अपने परिवार के लिए चार दीवारी के ख्वाब संजोते रहा? क्यों हर उस शख्स की मदद नहीं की गई जो अपनी जरूरत की हर एक चीज पर टैक्स देता रहा? क्यों किसी मजबूर की मायूसी को मिटाया नहीं गया जो हालात के चलते लाचार सा होकर कोरोना के सितम से खुले आसमां तले पड़े पड़े लड़ता रहा? सवाल ऐसे और भी कई सारे हैं जो आफत बने हुए हैं, लेकिन जवाब सिर्फ सभी का एक ही है, राहत। इसी राहत के लिए तो 20 लाख करोड़ रुपए का यह विशेष आर्थिक पैकेज लाया गया था। ऐसी उम्मीद हर इंसान में उस वक्त जागी थी जब देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ये भरोसा दिलाया था कि कोरोना और लॉकडाउन से उपजी स्थितियों से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज लाया गया है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं, जिसकी घोषणा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिनों तक अलग अलग किस्तों में की है। हर किस्त में हर एक देशवासी यही उम्मीद लगाए बैठा था कि 20 लाख करोड़ रुपए में से कुछ राहत तो उसके हिस्से में भी आएगी ही सही, लेकिन हर किस्त में उसे निराशा ही हाथ लगी और फिर अगली किस्त का इंतजार शुरू। इंतजार 5 दिनों बाद भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए की सारी किस्तें पूरी हो गई। एक जरूरतमंद अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहा है कि इतनी बड़ी रकम में से उसे सचमुच कुछ राहत नहीं मिली है, लेकिन अफसोस कि अब इंतजार भी किस बात का करें, क्योंकि पिछले करीब 2 महीने से घर बैठकर अपने परिवार को पालने और मकान के किराए ने ही एक मिडिल क्लास आदमी की हालत इस कदर कर दी है कि अब वह भी जरूरतमंद की श्रेणी में आ चुका है, और उसकी ये जरूरत भी सरकार पर इतनी भी भारी नहीं कि उसे पूरा नहीं किया जा सके, वो भी 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज होने के बावजूद। लगातार 5 दिनों तक आर्थिक पैकेज की घोषणाओं में भले ही सरकार ने कई घोषणाएं कर दी है, लेकिन इनसे मिलने वाली राहत एक निश्चित तबके को ही मिली है, जबकि जो सच्चा जरूरतमंद था वो तो आज भी राहत की उम्मीद में नजरें गड़ाए बैठा है। सरकार ने कई योजनाओं में टाइम तो बढ़ा दिया, लेकिन एक जरूरतमंद को इससे राहत मिलने की बजाय उस पर उल्टा दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि उसकी उस ईएमआई का क्या होगा जो मार्च अप्रैल में जाकर खत्म होने वाली थी? उसके उस घर का क्या होगा जो उसे मार्च अप्रैल में मिलने वाला था?
अब जब उसे उसका घर एक साल बाद मिलेगा तो साफ है कि उसे ब्याज की रकम अगले एक साल तक और देनी पड़ेगी, जो कि मार्च अप्रैल में ही खत्म हो जानी थी। जबकि फाइनेंस कंपनियों की ओर से लॉकडाउन के बावजूद उससे ब्याज की इस रकम का तकादा लगातार किया जाता रहा है। ऐसे में वह फाइनेंस कंपनी उससे लॉकडाउन के समय का तो बाउंस चार्ज वसूलने वाली ही है, इसके अलावा भी और भी कई चार्ज पेनल चार्ज के नाम पर वसूले जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या 20 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में से भी किसी जरूरतमंद को ईएमआई में कुछ समय की राहत नहीं दी जा सकती थी? बहरहाल इस देश में ऐसे और भी कई जरूरतमंद हैं जो 20 लाख करोड़ रुपए का हिसाब पूरा हो जाने के बावजूद अभी तक भी सरकार की नजर इनायत का इंतजार कर रहे हैं। उन जरूरतमंदों के बारे में अगली कुछ किस्तों में हमारी बात भी उसी तरह से जारी रहेगी जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का हिसाब अलग अलग किस्तों में लगातार 5 दिनों तक दिया गया था। ऐसे में 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में से सही तौर पर किसे और क्या मिलना चाहिए था, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपकी बात और हर उस सच्चे जरूरतमंद की जरूरत से सरकार को वाकिफ कराया जा सके जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया हो और जो कोरोना के इस संकट काल में सही मायनों में जरूरतमंद हो। फिलहाल वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यूज़.न्यूज़ विल बी कीप अहेड ऑलवेज।